हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ नव भारतीय स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट ईपीसी थर्ड के पार्ट थ्री को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका पाठ्यक्रम न केवल बीएड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में शिक्षा की दृष्टि से संप्रेषण में बाधाएं यानी कि बैरियर, क्या क्या बैरियर आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं संप्रेषण में, संप्रेषण की आवश्यकता, संप्रेषण के महत्व, संप्रेषण का प्रारूप, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की। आज हम संप्रेषण का क्षेत्र, संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका, मूल्यांकन कार्यप्रणाली आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आज का हमारा विषय है विषय ईपीसी थर्ड, प्रकरण होगा संप्रेषण का प्रारूप। जैसा कि पिछली क्लास में हम दोस्तों संप्रेषण का प्रारूप पर चर्चा कर रहे थे कि जो संप्रेषण का प्रारूप होता है वो तीन रूप में होता है। नंबर एक श्रव्य संप्रेषण, नंबर दो दृश्य संप्रेषण और नंबर तीन श्रव्य दृश्य संप्रेषण, यानी कि श्रव्य संप्रेषण नेक्स्ट है दृश्य और श्रव्य दृश्य संप्रेषण। दोस्तों, जो संप्रेषण के प्रारूप हैं वो एक श्रव्य संप्रेषण, दूसरा दृश्य संप्रेषण और तीसरा श्रव्य दृश्य संप्रेषण, यानी कि ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो दोस्तों, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य कहने का मतलब जो संप्रेषण का प्रारूप होगा वो इन तीन रूपों में विद्यमान होगा। नंबर एक श्रव्य संप्रेषण की बात करें यानी श्रव्य के अंतर्गत, यानी कि जब संप्रेषण प्रक्रिया में श्रवण इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण पूर्ण किया जाता हो तो वो जो संप्रेषण होगा वो श्रव्य संप्रेषण कहलाएगा, और जब संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत श्रव्य के स्थान पर दृश्य यानी कि नेत्र इंद्रियों के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होगी तो वो जो संप्रेषण होगा वो दृश्य संप्रेषण कहलाएगा। तीसरा जो है दोस्तों श्रव्य और दृश्य, यानी कि वह संप्रेषण जिसके अंतर्गत श्रवणेन्द्रियां और नेत्र इंद्रियां दोनों का ही प्रयोग होता हो तो वो जो संप्रेषण होगा वो क्या कहलाएगा, श्रव्य दृश्य संप्रेषण कहलाएगा।
जैसे श्रव्य में देखेंगे सबसे पहले, श्रव्य संप्रेषण, श्रव्य संप्रेषण में क्या होता है दोस्तों कि जब सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान में श्रवण इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण की जाती हो तो वह श्रव्य संप्रेषण कहलाता है। यानी कि दोस्तों जब सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान में श्रवण इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण की जाती है तो वह श्रव्य संप्रेषण कहलाता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण है यानी कि श्रव्य जो संप्रेषण होता है वो आखिर किन किन के माध्यम से होता है उनको देख लेंगे। जैसे रेडियो, रेडियो में दोस्तों केवल हम श्रवण इंद्रिया काम आती है यानी कि केवल सुन सकते हैं। दूसरा है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट है केवल यानी उनका प्रयोग करेंगे हम श्रव्य संप्रेषण में जो उनमें केवल देख सकते हैं, जैसे रेडियो है तो रेडियो सॉरी सुन सकते हैं तो रेडियो है, रेडियो में केवल हम समाचार सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, ये केवल सुनने के माध्यम है और जब सुनने के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है, श्रव्य संप्रेषण कहलाती है। रिकॉर्ड प्लेयर यानी ये जो माध्यम है वो श्रव्य संप्रेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट है दृश्य संप्रेषण, यानी कि जब संप्रेषण प्रक्रिया में विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान नेत्रेंद्रियों के माध्यम
से होता हो तो वह दृश्य संप्रेषण कहलाता है। दोस्तों स्पष्ट स्थिति है कि जब दृश्य संप्रेषण, जब संप्रेषण प्रक्रिया में विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान नेत्र इंद्रियों के माध्यम से होता हो तो वो दृश्य संप्रेषण कहलाता है। कहने का मतलब जब श्रवण इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है तो श्रव्य संप्रेषण, और जब नेत्र इंद्रियों का प्रयोग किया जाता हो तो दृश्य संप्रेषण। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य संप्रेषण, इसके कुछ उदाहरण लिख लेंगे दोस्तों। पहले दृश्य संप्रेषण के जैसे उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चार्ट है, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, एपी स्कोप, मैजिक लैंटर्न, इसको मैजिक लैंटर्न बोलते हैं दोस्तों, एपी स्कोप, मूक फिल्म, मॉडल, पोस्टर, ये सब दोस्तों किसमें आते हैं? दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी इनके माध्यम से दृश्य संप्रेषण होता है। चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, एपी स्कोप के माध्यम से, मैजिक लैंटर्न के माध्यम से, मूक फिल्म के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से, यानी इन माध्यम से श्रव्य संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य संप्रेषण, यानी कि जब संप्रेषण प्रक्रिया में विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान श्रवण इंद्रियों एवं नेत्र इंद्रियों दोनों के माध्यम से होता हो, जब संप्रेषण प्रक्रिया में विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान श्रवण इंद्रियों एवं नेत्र इंद्रियों दोनों के माध्यम से होता हो तो वह
श्रव्य दृश्य संप्रेषण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, श्रव्य में केवल श्रवण इंद्रियां, दृश्य में केवल नेत्र इंद्रियां, लेकिन श्रव्य दृश्य दोनों जो संप्रेषण होगा उसमें इन दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी ऐसा संप्रेषण जिसमें श्रवण इंद्रियां भी और नेत्र इंद्रियां भी दोनों काम में आती हो, तो वो जो संप्रेषण होगा वो दोस्तों श्रव्य दृश्य संप्रेषण कहलाएगा। इसके कुछ उदाहरण लेंगे, यानी किन किन माध्यम से श्रव्य दृश्य संप्रेषण जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें है अभिनय, यानी नाटक। दोस्तों इसमें क्या होगा, हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी। फिल्म, फिल्म में क्या होता है दोस्तों, हम सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं, इसलिए फिल्म होगी श्रव्य दृश्य का एग्जाम्पल। लेकिन यदि मूक फिल्म है तो वो केवल दृश्य संप्रेषण का उदाहरण होगी, क्योंकि मूक फिल्म में बोला नहीं जाता है, केवल देखा जाता है। तो फिल्म है, अभिनय है, यानी कि ये जो प्रदर्शन है, यानी कोई भी प्रदर्शन करता है, यानी जादूगर प्रदर्शन कर रहा है किसी कला का, तो यानी वो श्रव्य भी है और दृश्य भी है। इसके अलावा दूरदर्शन, दूरदर्शन दूरदर्शन पर हम गॉड कृष्णा सीरियल देख रहे हैं, तो उस पर हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, यानी कि दूरदर्शन। अभिनय, नाटक, फिल्म, प्रदर्शन और दूरदर्शन, ये सब किसके उदाहरण है, श्रव्य दृश्य संप्रेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु होगा हमारा, यानी कि संप्रेषण का क्षेत्र एवं प्रकृति। संप्रेषण का क्षेत्र एवं प्रकृति, यानी जो हमारा संप्रेषण है वो किन किन रूपों में विद्यमान है, कितने एरियाज हैं संप्रेषण के, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण, समूह संप्रेषण, जनसंचार संप्रेषण, सिंप्लेक्स संप्रेषण जिसको हिंदी में कहा जाता है एकतरफा संप्रेषण, डुप्लेक्स संप्रेषण। अब डुप्लेक्स में दोस्तों संप्रेषण में क्या होता है कि एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। यानी हाफ डुप्लेक्स में आधा दोहरा और फुल डुप्लेक्स में यानी पूर्ण दोहरा। यानी कि कहने का मतलब सिंप्लेक्स में केवल एक तरफा संदेश का आदान प्रदान होता है, डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में दोहरा संदेश का आदान प्रदान होता है, और फुल डुप्लेक्स में दोहरा संदेश तो होता ही है, साथ में वो एक साथ एक ही समय पर संभव हो सकता है, जबकि हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। उसमें दोहरा तो होता है लेकिन एक समय में एक साथ संदेश आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। तो जैसे नंबर एक व्यक्तिगत संप्रेषण, नंबर दो लोक संप्रेषण,
इसको दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं जन संप्रेषण। नेक्स्ट है समूह संप्रेषण। एक तरफा संप्रेषण, आधा दोहरा संप्रेषण, पूर्ण दोहरा संप्रेषण। तो दोस्तों इसको एक बार जान लें आप, इनको और इंग्लिश नाम से जान लें, उसको सरल कर लें, यानी जैसे व्यक्तिगत संप्रेषण, यानी कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि व्यक्तिगत संप्रेषण इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा है जैसे लोक संप्रेषण, यानी कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है समूह संप्रेषण, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक तरफा संप्रेषण, यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आधा दोहरा संप्रेषण, यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है जैसे पूर्ण दोहरा संप्रेषण, यानी कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। दोस्तों व्यक्तिगत संप्रेषण यानी कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, लोक संप्रेषण और जन संप्रेषण यानी कि मास कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट है समूह संप्रेषण यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन, और एक तरफा संप्रेषण यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और आधा दोहरा संप्रेषण यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, और पूर्ण दोहरा संप्रेषण यानी कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इनको एक एक को समझ लेंगे दोस्तों हम। पहला है व्यक्तिगत संप्रेषण, यानी कि इंटर कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था अंत प्रकार में, अंत संप्रेषण और एक था अंतर, यानी अंत व्यक्तिक संप्रेषण, व्यक्तिक संप्रेषण, और एक था अंतर व्यक्तिक संप्रेषण।
ये दोस्तों हमने संप्रेषण के जब प्रकार पढ़ाए थे तब आपको बताया था। तो इसका जो इंटरपर्सनल नाम दिया था तो हमने अंतरवैयक्तिक इसका दिया था, यानी कि इंट्रा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, और इसका था इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्तों याद रखें कि हिंदी के अंतर्गत अंतरवैयक्तिक संप्रेषण और व्यक्तिगत संप्रेषण दोनों ही शब्दों में डिफरेंस है, यानी कि दोनों का मतलब अलग अलग है। वो अलग बात है कि व्यक्तिगत संप्रेषण को भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है और अंतरवैयक्तिक संप्रेषण को भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में शब्द भंडारों की कमी है, क्योंकि इंग्लिश में तो मामा जी को भी अंकल कहा जाता है, चाचा जी को भी अंकल कहा जाता है, मौसा जी को भी अंकल कहा जाता है, तो इसकी ओर आपको नहीं जाना है, आपको उनके हिंदी रूपों को समझना है कि व्यक्तिगत संप्रेषण का मायना अलग होता है और अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का मायना अलग होता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अंतर वैयक्तिक का मतलब मन ही मन में किसी दूसरे के बारे में सोचना, और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब अपने ही मन में यानी स्वयं से बात करना, यानी गौर से बात करना, गौर से मन ही मन में बात कर रहे हैं, तो यानी अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वार्तालाप है वो तो क्या है, अंतर्वैयक्तिक है, और मन ही मन में किसी दूसरे के बारे में सोचना, जैसे डॉक्टर चिकित्सक के बारे में सोचता है कि आखिर इसकी क्या बीमारी है, तो वो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है। लेकिन अब बात आती है संप्रेषण के क्षेत्र में व्यक्तिगत संप्रेषण की, तो वो इंग्लिश नाम भले ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, लेकिन व्यक्तिगत संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करता हो, आदान प्रदान करता हो, अपने विचारों और संदेश का आदान प्रदान करता हो, तो वो जो संप्रेषण होगा वो व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाएगा। जैसे व्यक्तिगत संप्रेषण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचनाओं और संदेश का आदान प्रदान करता है तो वह व्यक्ति गत संप्रेषण कहलाता है। यानी दोस्तों स्थिति स्पष्ट है कि जब व्यक्तिगत संप्रेषण में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना और संदेशों का आदान प्रदान करता है तो वह व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। लेकिन अंतरवैयक्तिक की बात करें यहां पर, तो वो दूसरे व्यक्ति से तो बात करता है लेकिन व्यक्ति के बारे में बात करता है, ना कि दूसरे व्यक्ति से। तो ये अंतरवैयक्तिक और व्यक्तिगत संप्रेषण में डिफरेंस है। अब दोस्तों आपको ये जानना आवश्यक है कि व्यक्तिगत संप्रेषण के बाद जो नेक्स्ट संप्रेषण होता है वो होता है जन संप्रेषण। जन संप्रेषण यानी कि लोक संप्रेषण। जन संप्रेषण से मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा जब एमपी एमएलए आदि के जब चुनाव होते हैं तो नेतागण जो होते हैं वो किसी माइक का सहारा लेकर, यानी नेता एक होता है लेकिन उनके जो सुनने वाले होते हैं वो अनेक होते हैं।
यानी लाखों और हजारों की भीड़ को एक साथ जब संबोधित करते हैं तो वो जो संप्रेषण होगा वो क्या कहलाएगा? जन संप्रेषण कहलाएगा। तो यानी जब एक व्यक्ति के द्वारा संदेश व सूचनाओं को अनेक व्यक्तियों तक एक साथ पहुंचाया जाए तो वह संप्रेषण जन संप्रेषण कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा संदेश या सूचनाओं को अनेक व्यक्तियों तक एक साथ पहुंचाया जाए तो वो जो संप्रेषण होगा वो क्या कहलाएगा? जन संप्रेषण कहलाएगा या लोक संप्रेषण कहलाएगा, जिसको मास कम्युनिकेशन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है समूह संप्रेषण में, किसी विषय को लेकर एक समूह में अपनी अपनी राय व्यक्त की जाती है। जब किसी विषय को लेकर एक समूह में अपनी अपनी राय साझा की जाए तो ऐसा जो संप्रेषण होगा वो समूह संप्रेषण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान समय में COVID-19 जो बीमारी है, इस पर आए दिन टीवी पर आप, दूरदर्शन पर आप क्या देखते हैं? डिबेट देखते हैं कि कौन, जैसे जमातियों के संबंध में डिबेट, किसका क्या क्या विचार है, यानी इनके जो इस बीमारी को फैलाने में उनका कितना रोल है। कोई उसके पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। ये सब जो संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है? समूह संप्रेषण कहलाता है। यानी कि इसको जानेंगे, जब संप्रेषण में किसी निश्चित विषय पर विभिन्न लोगों द्वारा अपनी अपनी राय साझा की जाती हो तो वह संप्रेषण समूह संप्रेषण कहलाता
है। दोस्तों समूह संप्रेषण यानी कि जब जब संप्रेषण में किसी निश्चित विषय पर विभिन्न लोगों द्वारा अपनी अपनी राय साझा की जाती हो तो वह संप्रेषण समूह संप्रेषण कहलाता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति का व्यक्ति से आदान प्रदान व्यक्तिगत संप्रेषण, जब एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों से आदान प्रदान तो वो संप्रेषण लोक संप्रेषण या जन संप्रेषण यानी कि मास कम्युनिकेशन, और जब एक व्यक्ति का ना होकर यानी कि समूह में किसी निश्चित विषय पर अपने अपने विचार प्रदान करना वो जो संप्रेषण होगा, अपनी अपनी राय व्यक्त करना, उस संप्रेषण को हम क्या कहेंगे? समूह संप्रेषण कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सिंप्लेक्स संप्रेषण। यानी कि एक तरफा संप्रेषण, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। दोस्तों एक तरफा संप्रेषण यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जब संदेश को केवल एक दिशा में भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं तो वह प्रक्रिया एक तरफा संप्रेषण कहलाती है। दोस्तों इसको क्लियर कर लेंगे कि जो एक तरफा संप्रेषण होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जब संदेश को केवल एक दिशा में भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं तो वह प्रक्रिया एक तरफा संप्रेषण कहलाती है। इसका एग्जांपल है सीधा सीधा कि या तो इनपुट डिवाइस होगी वो या आउटपुट डिवाइस होगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हम कीबोर्ड में एन टाइप करेंगे, मान लो कोई शब्द टाइप करेंगे तो उसको केवल भेजा जा सकता है। क्या हम कीबोर्ड से उसका आंसर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यानी कि उस संदेश को भेज सकते हैं कीबोर्ड से, प्राप्त नहीं कर सकते कीबोर्ड से। लेकिन फिर बात आती है मॉनिटर पर कि मॉनिटर से हम संदेश को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जो हम कीबोर्ड पर प्रिंट करेंगे, कमांड देंगे, वो मॉनिटर पर प्रसारित होगी। तो जो मॉनिटर पर प्रसारित होगी तो कहने का मतलब ये जो संदेश है एक तरफा संप्रेषण में क्या हो रहा है कि या तो केवल सूचना या संदेश जा रहा है और या केवल सूचना या संदेश आ रहा है। जब ऐसी प्रक्रिया हो, उसकी एक दिशा में ही काम करने की प्रक्रिया हो, यानी कि या तो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, ऐसी स्थिति में एक तरफा संप्रेषण यानी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है।
नेक्स्ट है आधा दोहरा संप्रेषण, यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो संदेश है वो दोनों तरफ चलता है, यानी दोनों ओर से किसी विचारों या संदेश का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों केवल एक समय में एक बार ही होगा। जैसे कि आप एग्जांपल से स्पष्ट करेंगे इसको कि जैसे पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव से हम डाटा को किसमें लेंगे, कंप्यूटर में। तो पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा आ गया, यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा में भेज दिया। अब उसी समय हम क्या करेंगे, केवल या तो पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा को भेज सकते हैं, या फिर दूसरे समय में यानी निकाल के उसको दूसरी जो प्रक्रिया होगी, जैसे कंप्यूटर से पेन ड्राइव में। कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है वो दोनों तरफ चल रही है, ऐसे भी और ऐसे भी, यानी पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा जा भी सकता है और कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाटा आ भी सकता है। ऐसे कंप्यूटर से डाटा पेन ड्राइव में जा भी सकता है और पेन ड्राइव से कंप्यूटर में ले भी सकते हैं। तो ऐसा जो संप्रेषण होगा ये दोहरा संप्रेषण कहलाएगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी क्या एक समय में पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय में या तो केवल पेन ड्राइव से कंप्यूटर में भेजेंगे या फिर कंप्यूटर से पेन ड्राइव में लेंगे, तो यानी अलग अलग समय में ये प्रक्रिया होती है। तो यानी जिसमें समय एक ना हो लेकिन प्रक्रिया दोनों तरफ चलती हो तो वो जो संप्रेषण होगा वो आधा दोहरा संप्रेषण कहलाएगा। जैसे जब संदेश को दोनों दिशाओं में अलग अलग समय में संप्रेषित किया जाता है तो उसे आधा दोहरा संप्रेषण यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि जब संदेश को दोनों दिशाओं में अलग अलग समय में संप्रेषित किया जाता है तो उसे आधा दोहरा संप्रेषण कहते हैं, यानी कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव से कंप्यूटर और कंप्यूटर से पेन ड्राइव, ये इसका एग्जांपल है।
नेक्स्ट है दोस्तों पूर्ण दोहरा संप्रेषण, यानी कि पूर्ण दोहरा संप्रेषण। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि पूर्ण दोहरा संप्रेषण यानी कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ये जो हाफ डुप्लेक्स है उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर बस इतना है कि इसमें दोनों दिशाओं में संदेश का आदान प्रदान होता है और उसमें भी संदेश का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन अर्ध दोहरा संप्रेषण में जो आदान प्रदान होता है वो अलग अलग समय में होता है, लेकिन पूर्ण दोहरा संप्रेषण के अंतर्गत यह निश्चित है कि एक ही समय में आदान प्रदान होता है विचारों का। और उसका जो उदाहरण है वो क्या है दोस्तों, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में हम रोज बातें करते हैं, तुरंत जो बोलते हैं उधर से आंसर आता है, उसी डिवाइस के माध्यम से हैंड टू हैंड आंसर मिल जाता है, यानी कि विचारों और संदेश का दोनों दिशाओं में एक ही समय पर जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, पूर्ण दोहरा संप्रेषण कहलाता है। जैसे जब संदेश को दोनों दिशाओं में एक ही समय पर संप्रेषित किया जाता हो तो वह प्रक्रिया पूर्ण संप्रेषण कहलाती है। दोस्तों स्पष्ट है कि जो पूर्ण दोहरा संप्रेषण होता है उसमें क्या होता है कि जब संदेश को दोनों दिशाओं में एक ही समय पर संप्रेषित किया जाता हो तो वह प्रक्रिया पूर्ण संप्रेषण कहलाती है, पूर्ण दोहरा संप्रेषण। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूर्ण दोहरा संप्रेषण कहलाती है। जैसे स्मार्ट फोन इसका उदाहरण है, नेक्स्ट है दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, यह हमको स्पष्ट करनी है। संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका, दोस्तों याद रहे कि जब तक संप्रेषण अच्छा नहीं होगा तब तक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण का होना अति आवश्यक है, और इसलिए जो संप्रेषण है वो यदि अच्छा होगा तो शिक्षण प्रक्रिया भी अच्छी होगी और प्रभावशाली होगी। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि आखिर शिक्षक को
ऐसे किन किन सावधानियों को बरतना है जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया का जो संप्रेषण है वो प्रभावशाली बने। जैसे कि पूर्वाग्रह और तनावों से मुक्त रहना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य के लिए जाता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि शिक्षक पूर्ण रूप से तनाव मुक्त होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी तो शिक्षक निश्चित रूप से संप्रेषण को एक प्रभावशाली बनाएगा। दूसरी बात यह आती है कि संप्रेषण में शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता यानी वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रहना चाहिए, वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो छात्र हैं, मान लो कल पेपर है ईपीसी थर्ड का और हम आज पढ़ाने बैठ जाएं ईपीसी फोर्थ को, तो क्या होगा कि बच्चे मेंटली रूप से तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक का यह कर्तव्य भी है कि अध्यापक को यह जानकारी कर लेनी चाहिए कि आखिर वास्तविकता क्या है, वास्तविक आवश्यकता क्या है। दूसरे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी छात्र को जान लेना चाहिए। मान लो कक्षा में अध्यापक गया और अध्यापक जब कक्षा में जाता है तो उसका यह कर्तव्य बन जाता है कि बच्चा पढ़ने के मूड में है या नहीं, यानी कि बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह जान लेना चाहिए अध्यापक को कि छात्र किस अवस्था में है। और यदि ऐसी स्थिति में मान लो अध्यापक आप पढ़ाने जाओगे और पढ़ाने जा रहे हो और पढ़ाने जाते वक्त क्लास में एंट्री कर रहे हैं और क्लास में उस समय मान लो कुछ बच्चे अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जान लेना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग संप्रेषण होना चाहिए। यदि बच्चे की मानसिक स्थिति को जानकर ही अध्यापक पढ़ाएगा तो जो शिक्षण कार्य होगा वो कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। जैसे नंबर एक पूर्वाग्रहों एवं तनाव से मुक्त। दोस्तों पहली जो रिक्वायरमेंट है शिक्षक के लिए वो यह होती है कि वो पूर्वाग्रह एवं तनाव से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व अपनी नकारात्मक विचारधाराओं से मुक्त और शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व अपनी नकारात्मक विचारधाराओं से मुक्त और तनाव रहित होकर कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक के लिए पहली आवश्यकता बन जाती है कि
कि शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व अपनी नकारात्मक विचारधाराओं से मुक्त और तनाव रहित होकर कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। यदि इस स्थिति में शिक्षक होगा तभी संप्रेषण कार्य है वो कैसा होगा, प्रभावशाली होगा, शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा। और यदि शिक्षक किसी पूर्व नकारात्मक प्रवृत्तियों से ग्रसित है, मान लो अपने घर पर किसी पारिवारिक मेंबर से उसका मतभेद हो जाता है, तो शिक्षक कैसा है, तनाव में है, और फिर वो जो कि तो विद्यालय में जाकर कक्षा लेता है, तो कहीं ना कहीं उस तनाव का प्रभाव शिक्षण पर पड़ेगा, और जब शिक्षण पर पड़ेगा तो संप्रेषण भी कैसा होगा, अप्रभावशाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब शिक्षक को सबसे पहले पूर्वाग्रह और तनावों से मुक्त होना चाहिए, तब शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली और संप्रेषण भी प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है वास्तविक आवश्यकता, वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान। दोस्तों शिक्षक के लिए ये जिम्मेदारी हो जाती है, छात्रों के अध्ययन की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि अध्ययन वही कराया जाए जो वास्तव में जिसकी जरूरत हो। मान लो किसी प्रश्न पत्र, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि मान लो कल पेपर आपको सामाजिक ज्ञान का मिलने वाला है, और आप एक दिन पहले उन छात्रों को विज्ञान का अध्ययन कराएं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब अध्यापक को वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान ही नहीं है, और जब वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो संप्रेषण प्रक्रिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, वो प्रभावशाली नहीं रहेगी, क्योंकि छात्र मेंटली रूप से तैयार नहीं है उस शिक्षण के लिए। वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट डे मूल्यांकन जिस पेपर का होगा, जिसका एग्जाम जिस पेपर का होगा, वो दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान लगाकर ही शिक्षक को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो उसे अध्यापन से पूर्व ही छात्रों की वास्तविक स्थिति को जान लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही किया गया संप्रेषण प्रभावशाली होगा। कहने का मतलब दोस्तों वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान, शिक्षक को यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पहले उस छात्र की वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो उसे अध्यापन से पूर्व ही छात्रों की वास्तविक स्थिति को जान लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही किया गया संप्रेषण प्रभावशाली होगा। दोस्तों क्योंकि
जब तक छात्र शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी कि मेंटली रूप से समर्थ नहीं होंगे, तब तक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि संप्रेषण में, यानी शिक्षक की जो भूमिका है वो पहली जो होती है, यानी पूर्वाग्रहों और तनावों से मुक्त होना चाहिए शिक्षक। दूसरा, शिक्षक को वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी छात्रों की स्थिति का पता लगा लेना चाहिए। और दूसरा, छात्रों का उचित पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम का उचित चयन करना चाहिए। दूसरा, यानी नेक्स्ट और देखेंगे उसको, अगले बिंदु को, यानी कि जो शिक्षक है उसको उचित सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब इन सब का अध्ययन दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।